हेलो दोस्तों, राधे राधे। चोखी कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरा राइस और राजमा। तो चलो शुरू करते हैं। राजमा का तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। एक कटोरी राजमा थे जिनको मैंने रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब अपन कुकर में डाल लेते हैं। राजमा अपने भीग जाएं अच्छे से और थोड़ा सा पानी ऊपर तैरने लगे, इतना पानी ऐड करेंगे, लगभग 2-2.5 गुना। ये देख सकते हो आप, पानी ऊपर तैरने लगा है। अब अपन 2 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, साबुत लौंग, 1 बड़ी इलायची थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर देते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच घी। घी से दोस्तों बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है, इसमें खुले खुले से बनते हैं अपने राजमा। अब अपन ढक्कन लगा देते हैं और 3-4 सीटी आने का वेट करते हैं। तब तक अपन टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, कट कर लिया है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पीस लेते हैं। तो 4 सीटी आ चुकी हैं, कुकर का ढक्कन हटा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आया है, राजमा गरम है, कितना अच्छे से दब रहा है, कितने अच्छे से पक चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल अपना गरम हो चुका है, आधा चम्मच जीरा, जीरा अपना चटक चुका है, कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देते हैं, 2 हरी मिर्च कटी हुई ये डाल देते हैं। अब अपन 1 प्याज जिसको बारीक बारीक चॉप लिया है वो डाल देती हूँ और 1 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। 3-4 कुटी हुई काली मिर्च, एक चुटकी हींग, चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अपन 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई मिर्च, पका लेते हैं। अब अपन टमाटर की ग्रेवी ऐड कर देते हैं और लगभग 1-1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। हरा धनिया ऐड कर देते हैं, ग्रेवी अपनी तेल छोड़ चुकी है। अब अपन 1 उबला हुआ आलू ऐड कर देते हैं। आलू से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा राजमा में। अब अपनी राजमा ऐड कर देते हैं और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर देते हैं मीडियम फ्लेम पर। 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, बीच बीच में चलाते रहें। 1 चम्मच शुगर ऐड कर देते हैं, इससे राजमा में बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। धनिया, हरा धनिया और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं राजमा अपने लगभग बन चुके हैं। तो राजमा अपने बन करके रेडी हैं। अब अपन सर्व करने के लिए एक कढ़ाई में निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आया है, कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, मुँह में पानी आने लग गया है। तो
तो आप भी दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा। राजमा अपनी रेडी हैं, अब अपन जीरा राइस की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है, आधा चम्मच जीरा, जीरा अपना चटक चुका है, अब अपन राइस ऐड कर देते हैं लगभग आधा मिनट के लिए। अपन चम्मच से चला लेते हैं, जीरा राइस अपनी बन करके रेडी है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।